इसका पूरा सामान हमें दे दिया, लेकिन बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था, इमरान खान का था। ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने 5 दिहाई देखे हैं, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हलकान होकर ढूंढता फिर रहा था। मेरा सिंबल के था, हालांकि इलिटरेट जो है, हमारी इलिटरेसी रेट 50% है तकरीबन, लेकिन उसको आफरीन है जिसने उसके बावजूद के वो अंग्रेज़ी का हिंसा था कि उन्होंने भरपूर अंदाज से दिया। और मैं ख्वाजा साद रफीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलूज रखते हुए उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, और उसने मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद दी। और मैंने उसे कहा कि काश तुम अपने बड़ों को भी ये दर्स दो, अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रिहाना उस्मान डार से तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और लोगों से जो है वो माजरत करे कि जिस अंदाज से करते रहे। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहराते हुए कहता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप किस मुंह से जाओगे गालिब? आप कैसे कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? ओ भाई, आपके अंधे, आपके सारे चैनल्स इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि जो इलेक्शन आर्टिकल जो फॉर्म 45, और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है पोलिंग, वहाँ तक तो ठीक है इलेक्शन, हमारे सारों के पास जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे PTI के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आइनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है, और हम PTI हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे PTI के अरकान का 170 थी, और अगर हमें 230 में मखसूस नशस्तें जिसमें ख़वातीन हैं और जिसमें हमारे अकलीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 के फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है एमर्ज इलेक्शन में होती है उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बांत हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वज़ीर आज़म इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वज़ीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है? क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है? तो ये क्या समझते हैं? आज माशाल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की ख्वातीन है, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने दो टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। ना इमरान खान के बगैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बगैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान
ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो तीन केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे, रिहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपी आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहाँ जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है, और ये इलेक्शन कमीशन का आइनी फरीजा है कि उसकी तसहीह करें। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें, और ये यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी